फैंस क्वेश्चन है सारे। ओके, इसमें से मैं देखूंगा मैं कौन से आंसर कर सकता हूँ। तो हाँ, ये मैं बता देता हूँ आपको, फेवरेट एक्ट्रेस सोनाक्षी और कंगना, ये मेरे लिए मुश्किल सवाल इसलिए क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम किया है, बट जो मेरी ज़्यादा जिसे बोलते काम, जो जिसे मुझे लगा कि मैंने जिनके साथ काम करके मुझे सीखने को मिला है, जिनके साथ काम करके मुझे ये हुआ है कि हाँ, जैसे बोलते हैं कि आप, क्योंकि पहली फिल्म मेरी सोनाक्षी के साथ ही, दूसरी कंगना के साथ, क्योंकि पहली फिल्म में मैं थोड़ा डरा हुआ था, दूसरी फिल्म में थोड़ा ऐसे था कि मेरे लिए ये था कि मुझे अच्छा काम करना है, देखना है क्या होता है, तो कंगना के साथ मुझे काम करके इस चीज़ का बड़ा अच्छा फील हुआ कि वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, उनकी डेडिकेशन की मैं फ़ैन हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे जब मैंने काम किया। और हाँ, मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि कंगना, बट इसका ये नहीं होना चाहिए कि कल को आप ना मेरे, मैंने पिछली बार इंटरव्यू करके गया, जस्सी गिल ने बोला कंगना रनौत है मेरी फेवरेट एक्ट्रेस, सोनाक्षी सिन्हा नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं बनाएं। ये स्पेशल मैं आपकी, आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ एक फंडा कर दिया था आप लोगों ने, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता होता, और इस बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं अपने सोशल मीडिया जहाँ, अपने इंस्टाग्राम पर जाके सबको बताऊँगा फिर कि क्या होता है। वन ऑफ द बेस्ट फैन मोमेंट रिसेंटली यू केम अक्रॉस। मैं अभी, मेरा बर्थडे निकल के गया है 26 नवंबर को था, और मैं बहुत खुशकिस्मत फील करता हूँ अपने आप को, बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मेरे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, इतने अच्छे मैसेजेस आए हैं मुझे, इतने ज़्यादा इतनी सारी गिफ्ट्स आई हैं, मतलब स्पेशली अपने हैंडमेड जो चीज़ें बनाते हैं, कार्ड्स बनाते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो क्योंकि आज के टाइम पे किसी के पास अपने लिए टाइम नहीं, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं, अगर आपके लिए इतना काम करते हैं बनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए, आपके स्पेशल डेज़ को और स्पेशल बनाने के लिए, तो मुझे लगता है आई एम ब्लेस्ड, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, और थैंक यू सो मच मेरे जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं, और हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे फैंस अपने हाथ से कुछ बना के भेजते हैं, और क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। If you need to choose anyone between Punjabi industry and Bollywood industry, देखो है तो मुश्किल सवाल, बट पंजाबी इंडस्ट्री तो मेरे खून में, पंजाब है, पंजाब तो चाहे कहीं भी चला जाऊँ वो तो मेरे खून में ही रहेगा, तो चूज़ वाली तो बात ही नहीं इसमें बचती है। तो पंजाबी इंडस्ट्री तो ये है कि जहाँ कहीं भी जाऊँगा मैं गाने पंजाबी गाता हूँ, मैं बोलता पंजाबी हूँ, मेरे घर वाले पंजाबी हैं, मेरे दोस्त पंजाबी हैं, मेरा खाना पीना पंजाबी है, मेरा खून पंजाबी है, तो पंजाबी ही रहेगा कहीं भी चला जाए तो, बट चूज़ करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना खुला है कि आप कहीं भी जाके कोई भी काम कर सकते हो, स्पेशली पंजाबी, हम पंजाब में रह के भी बाहर के लिए काम कर सकते हैं और कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कितने पंजाबी गाने आप देखते हो बॉलीवुड में चल रहे हैं, हर जगह जहाँ पर पार्टीज होती हैं पंजाबी गाने चलते हैं, तो मुझे लगता है पंजाब में रह के आप पंजाब के लिए काम करो, बाकी अपने आप, बाकी इंडस्ट्री तक अपने आप पहुँचता रहेगा। ओके, आपकी मूवी आ रही है पंगा, तो बॉलीवुड में आपका, आप किससे लोगे पंगा? मैं जी किसी से पंगा नहीं लूँगा, मैं तो सिर्फ अपने आप से ही पंगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा जब मैं शुरू करता हूँ कोई चीज़, मुझे लगता है कि यार ये कैसे होगी, ये कैसे कर सकता हूँ, ये मैं कर लूँगा, तो फिर मैं अपने आप को तैयार करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं ये करना है, ये करेंगे और ये होगा, एंड वो टच वुड बहुत अच्छा होता है, और यही इसी बोलता हूँ मैं, तो अपने आप से पंगा लेता हूँ, अपने आप को बोलता हूँ चल भाई अभी ये करना है, शुरू हो जा। ओके, इफ नॉट एन एक्टर व्हाट वुड बी योर अल्टरनेट प्रोफेशन? मैं हमेशा बताता हूँ इंटरव्यूज में कि अगर मैं सिंगर या एक्टर ना होता तो मैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में टैक्सी चला रहा होता, अगर वो भी ना चलती, क्योंकि फिर मैं खेती कर रहा होता, क्योंकि हमारी अपनी खेती है घर पे, तो वो तो कहीं जा नहीं रही थी तो वो तो कर ही सकते थे, तो या खेती कर रहा होता, क्योंकि पढ़ाई में तो मैं इतना ज़्यादा नहीं था, ना मेरा इंटरेस्ट था, बट हाँ अभी जो मैंने फील करना शुरू किया इस इंडस्ट्री में कि मैं होता म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी काम कर सकता था, मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बन सकता था, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, मुझे बहुत इंटरेस्ट है देखना कि म्यूज़िक कैसे बनता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ का कि
इसे और अच्छा कैसे बना सकते हैं। कोई गाने बन के आते हैं, मैं अपने गाने इतनी बार सुनता हूँ, फिर मैं उसमें सोचता रहता हूँ इसमें और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी जाके मुझे ये भी फील होना शुरू हुआ कि मैं शायद म्यूज़िक डायरेक्टर भी बन सकता था। थैंक यू।